ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ। ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਮੋਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। रूस दे शहर काजान तो एक गुंडागर्दी दी तस्वीर दिखाउण वाली खबर सामने आई है, जिते एक स्कूल विच बंदूकधारी वल्लों हमला कर दिता गया। इस फायरिंग विच 8 व्यक्तियां दी मौत हो जाण दा समाचार प्राप्त होया। खबरां दी मन्निए तां मरण वालियां विच 7 विद्यार्थी शामिल ने जो कि 8वीं जमात विच पढ़दे सी। उत्थे ही एक अध्यापक दी मौत भी हुई है अते 21 व्यक्ति बुरी तरह नाल जख्मी होए ने, जिन्हां विचों 6 दी हालत काफ़ी गंभीर दसी जा रही है। रूसी अधिकारियों ने दसिया कि रूस दे शहर काजान विच मंगलवार सवेरे बंदूकधारी ने एक स्कूल उत्ते हमला कर दिता, जिस विच 8 व्यक्तियों की मौत हो गई। 8वीं जमात के 7 विद्यार्थी और एक अध्यापक उन्हां विच मौजूद सी। रूसी मीडिया के अनुसार हमले दौरान कुछ विद्यार्थी इमारत तो बच के निकलन विच कामयाब हो गए सन, जबकि दूसरे विद्यार्थी अंदर फस गए सन। हमले तो बाद स्कूल के प्रवेश द्वार से दर्जना एंबूलेंस लाइन विच खड़िया सन और नाल ही पुलिस भी स्कूल की इमारत तक पहुँच गई सी। जानकारी मुताबिक फायरिंग करन वाले अतवादी नू गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी उम्र 19 साल दसी जा रही है। उसके नाम ते एक हथियार भी दर्ज है। मामले विच अगलेरी जांच की जा रही है ते उसके होर साथियों बारे भी पता किया जा रहा है। स्कूल दी इमारत नू नुकसान पहुंचाने वालियां वीडियोस भी सर्कुलेट हो रही ने। पुलिस ने कहा कि अजे तक हमले का कारण पता नहीं चलिया। गवर्नर मिनी खानोव ने स्कूल का दौरा भी किया है, सुरक्षा के प्रबंध वधा दिते जाण बारे भी जानकारी दी है। उत्थे ही अधिकारियों ने कहा कि मॉस्को के पूर्व तो 700 किलोमीटर वल काजान के सारे स्कूलों में तुरंत होर सुरक्षा के प्रबंध वधा दिते गए हैं। उन्होंने गोलीबारी के पीड़ितों का सन्मान करने लिए बुधवार को सोग के दिन का ऐलान भी किया। चंडीगढ़ तो PBC न्यूज़ लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ। ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਮੋਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ।